वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हम आपको ईद से पहले बताते रहे थे कि मवेशी मंडियों की क्या सूरत हाल है, वो भी शायद हम आपको आज बताएंगे दोबारा से। लेकिन इससे पहले सब्जियों के भाव तो आप भी जान लेते हैं कि ईद से पहले क्या रेट लिस्ट चल रही है, किस रेट्स पर सब्जियां और फल दस्तयाब है। हमारे नुमाइंदे इमरान लतीफ हमारे साथ मौजूद है। इमरान, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं और क्या देख रहे हैं, महंगाई का कोई आलम ज्यादा है या मुनासिब कीमतों पर सब्जियां दस्तयाब हैं? अजीब बिल्कुल अरमिला, ईद की आमद आमद है, सब्जी मंडियों में शहरियों का रश भी बढ़ गया क्योंकि आज छुट्टी का रोज है, शहरियों की बड़ी तादाद है सब्जियों की खरीदारी के लिए आ रही। अगर बात की जाए मार्केट कमेटी रेट लिस्ट के मुताबिक तो कीमतों में इस्तेहकाम है, मगर यहाँ पर जो कीमतें जो फरोख्त हो रही हैं वो जायद कीमतों पर सब्जियाँ फरोख्त की जा रही है। अगर बात की जाए टमाटर यहाँ पर 80 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा है, इसी तरह अदरक की कीमत 161 रुपये है, वो 200 रुपये किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। लीमू की कीमत 90 रुपये है लेकिन वो 160 रुपये तक यहाँ पे फरोख्त हो रहा है। इसी तरह जो दीगर मसाला जो आज के तौर पर इस्तेमाल होने वाली सब्जियाँ उनकी कीमतों में 50 से 60 रुपये किलो तक का यहाँ पे इजाफा है, महंगे दामों की खरीदो फरोख्त यहाँ पे की जा रही है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या कहना चाहेंगे इसमें जो कि रेट लिस्ट के मुताबिक सब्जियाँ मिल पा रही हैं। जी जी सर, जिस सब्जी को भी हाल लगाते हैं वो मार्केट से उनकी रेट लिस्ट जो है उससे बहुत ही एक्सेसिव है, मनमानी है, चेक एंड बैलेंस नहीं है इनमें। किसी से भी पूछ लें वो कहते हैं हमारा ईद का दिन है, हम मर्जी का चार्ज करेंगे, हम किसी के बाउंड नहीं है। जी बिल्कुल, जैसे कि अपने शहरी की भी गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि ईद का दिन है, मनमाने दामों यहाँ पे सब्जियां फरोख्त की जा रही हैं, अदरक भी यहाँ पे 200 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है, इस तरह से दीगर मसाला जात के तौर पे इस्तेमाल होने वाली सब्जियां वो भी महंगी है। इमरान लतीफ, आपसे हमें जानना चाहेंगे की जो रेट लिस्ट के मुताबिक सब्जियाँ दस्तियाब नहीं है, ग्राहकों से तो आपने बात करा दी, दुकानदारों की भी बात की जाए तो क्या सूरत हाल देखते हैं, क्यूँ वो इतनी महंगी जो है वो सब्जियाँ बेच रहे हैं और ईद से पहले वो भी? दुकानदारों को यही कहना है, हमेशा की तरह उनकी वही पुरानी मंतक होती है कि जी तलबो सप्लाई के ऊपर जो कीमतों का इंसार होता है, उनको सस्ते दामों की कीमतें बड़ी मंडी से नहीं मिल पड़ती, तो किस तरह वो सस्ते दामों आम शहरियों को ये सब्जियां फरोख करेंगे। ये अहवाल है सिंहपुरा सब्जी मंडी का। अगर आप लोकल मार्केट की तरफ रुख करेंगे तो लोकल मार्केट में ये कीमतें इससे भी ज्यादा होंगी। बिलफर्ज अगर टमाटर यहाँ पर 80 रुपए किलो है तो लोकल मार्केट में ये 120 से लेकर 150 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। इसी तरह अदरक की बात की जाए, अदरक यहाँ से 200 रुपए किलो मिल रहा है तो आम मार्केट में 250 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का भी ये कहना है कि इंतजामिया को चाहिए कीमतों को कंट्रोल करे, इंतजामिया को चाहिए कि कीमतों को कंट्रोल करे और जो रेट लिस्ट है उसके मुताबिक ही सब्जियां दस्तयाब हो, क्योंकि ईद से पहले महंगाई का ये जो दौरा है ये इसकी वजह से जो परेशानी है वो सिर्फ ग्राहकों को होती है। ऑब्वियसली दुकानदार अपनी मंतक पे कायम है और ख़रीदार मजबूर हैं कि उन्होंने सब्जियां खरीदनी ही खरीदनी है। ये तो था सब्जी मंडी के हालात। अब ज़रा दोबारा से हम बात करें ईद उल अज़हा की, तो ईद उल अज़हा पर आपको अभी हमने कपड़ों के हवाले से तो बताया, कुछ मेकअप ट्रेंड्स भी बदलते रहते हैं। हमारे साथ शैला चौधरी मौजूद होंगी जो कि ब्यूटिशियन है, वेलकम करेंगे। वेलकम टू द शो शैला, कैसे हैं? थैंक यू, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शैला, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मेकअप ट्रेंड्स चल रहे हैं आजकल, हेयर स्टाइल्स की बात की जाए, मेकअप की बात की जाए? मेकअप की बात की जाए, जैसे कि ईद है और इसमें ज़्यादातर दावतें होती हैं, आप डिनर्स पे जाते हैं, खाने पे जाते हैं, तो इसलिए सॉफ्ट मेकअप ही इन है। और कुछ ऐसे हैं कि कॉन्सेप्ट में है माइंड के कि कुछ लोगों के स्मोकी आईज ब्लैक टोन को ही कहा जाता है, बहुत ही हार्ड लुक देता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सॉफ्ट लुक भी स्मोकी आईज में दी जाती है, जो कि इस वेदर के अकॉर्डिंग अगर आप की जाए तो उसमें बड़ी सॉफ्ट सी लुक आती है। बालों की तरफ जाएँ तो टाई बाल हैं, मैसी लुक चल रही है, टाई जुरा चल रहे हैं, अगर लॉन्ग्स बाल हैं तो उसमें कर्ल्स आगे हैं, इस तरह के ट्रेंड में है कि बहुत ज़्यादा वो टिपिकल हेयर स्टाइलिंग ऐसा कुछ भी नहीं है, अब बहुत ही सॉफ्ट लुक में आ रहा है। अच्छा, मेकअप की बात करें तो टाइम के साथ से ट्रेंड बदल रहे हैं, क्या चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट की जाती हैं और कुछ हल्की फुल्की जो टिप्स आप बताना चाहें? हल्की फुल्की ये है कि अगर आपके हेयर है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अगर आपके बाल अच्छे हैं तो आपको मेकअप की ऐसा इतनी ज़रूरत नहीं होती। बालों की तरफ चाहें तो बालों के कुछ ट्रीटमेंट है, लाइक जैसे मैंने पहले भी कहा था कि केराटीन बहुत ज़रूरी है बालों के लिए। अगर बालों की लुक अच्छी है तो लाइट सा लिप कलर, अगर आप लाइट सा मेकअप यूज़ करते हैं तो ओवरऑल लुक आपकी बेस्ट हो जाती है। तो सबसे ज़रूरी है अपने बालों की तरफ। अच्छा, हेयर कलर की बात कीजिए तो वो किस तरह के चल रहे हैं? हेयर कलर डार्क टोन में आ रहे हैं, लाइक ओम्ब्रे में आ रहा है कि आपके स्टार्टिंग में डार्क टोन है और लाइट से लो लाइट्स आ रही हैं बालों के, इस तरह से अकॉर्डिंग वेदर तो डार्क टोन में ही जा रहे हैं ओम्ब्रे के साथ। अच्छा, आपके सैलून की बात कीजिए तो किस तरह की सर्विसेज आप आजकल खवातीन डिमांड करती हैं,
फेशियल्स में देखा जाए, हर्बल ट्रीटमेंट्स हैं या किस तरफ जा? हर्बल ट्रीटमेंट ज़्यादा हो रहे हैं, और कुछ जैसे ईद है, ईद में कुछ ऐसे पैकेजेस निकाले हुए हैं जो कि कस्टमर की डिमांड है. ज़्यादातर जो अब हम लोग कर रहे हैं ट्रीटमेंट फेशियल्स कर रहे हैं हर्बल, क्योंकि वेदर ऐसा बहुत स्वेटिंग है, ऑयली फेस है, तो ज़्यादातर हर्बल फेशियल ही हो रहे हैं और हेयर ट्रीटमेंट चल रहे हैं. अच्छा, और जो हम फेशियल्स की बात कर रहे हैं उसके साथ बालों की ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा है. रीबॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट अभी भी कायम है या कैरेटिन या इस तरफ आ रहे हैं? रीबॉन्डिंग ऐसा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं है वो आयरन बहुत यूज़ करते हैं. आयरन से बाल इतना डैमेज हो जाता है कि जब आप रिबॉन्डिंग की तरफ आते हैं तो बालों की और ज़्यादा जो बालों की डैमेज बाल होते हैं वो ज़्यादा ही ख़राब हो जाते हैं रिबॉन्डिंग से. एक दो माह तो ठीक रहते हैं लेकिन बाद में बहुत ही रफ होना शुरू हो जाते हैं. तो बेस्ट ट्रीटमेंट ये है कि आप कैराटीन की तरफ ही मूव करें. रिबॉन्डिंग बहुत ही हार्ड होता है तो बेस्ट है कि आप कैराटीन की तरफ जाएं. अच्छा, ईद के हवाले से क्या टिप्स देना चाहेंगे आप हमारे देखने वालों को? ईद के हवाले से ये है कि आप स्किन की तरफ देखें तो अपनी स्किन से सबसे पहले आप अच्छे ट्रीटमेंट लें. बालों की तरफ जाएं तो बाल ट्रीटमेंट लें और सॉफ्ट मेकअप. अगर आपकी स्किन अच्छी ग्लो कर रही है, अगर आपके बाल अच्छे हैं तो आपको ऐसा मेकअप की भी ज़रूरत नहीं है. मेकअप की भी ज़रूरत नहीं है. और यही बात के बालों और मेकअप के लिए तो आपने टिप्स दे दी, कुछ ट्रीटमेंट्स के हवाले से भी दे दें टिप्स. ट्रीटमेंट के हवाले से ये है कि बालों के लिए आप अच्छा सीरम यूज़ करें. बाल अगर आप रिबॉन्डिंग करें तो आफ्टर केयर ज़रूरी है. आप रिबॉन्डिंग कैराटीन डाई करा के आप माइंड में करते एक ट्रीटमेंट हो गया बस, लेकिन इसकी होम केयर बहुत ज़रूरी है. अगर आफ्टर केयर करेंगे तो लॉन्ग लास्ट करेगा. और इसी तरह के स्किन है, टोनर यूज़ करें, स्प्रे यूज़ करें, आफ्टर आप केयर इसकी लाजमी करें. ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच शैला, बहुत शुक्रिया जनाब. अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे. हमारे पास और भी मेहमान हैं जिनसे आपको मिलवाएंगे. आप देखते रहिए जागो लाहौर.